एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग जिस भी राज्य में जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मोबाइल गिर गया, तो हम लोग जो है वहाँ के जो बुद्धिस्ट जो टेंपल है या हमारा जो बुद्धिस्ट विरासत है ये देखने का जरूर हम लोग काम करते हैं। तो हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के शूटिंग के लिए बनारस आए हुए थे और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत ही भव्य रहा, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न रहा। इसके शूटिंग के लिए हम लोग आए हुए थे। अभी जो है हम लोग सारनाथ घूमने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ हमारी टीम है, आप देख सकते हैं मेरे साथ एडवोकेट सुधीर शास्त्री जी हैं, साथ ही में राज्यपाल जी हैं और हमारे सारथी जो है विशाल बाबू। तो हम लोग जो है अभी सारनाथ के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में आपको सारनाथ का सीन भी दिखाया जाएगा। यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं सारनाथ घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक ख़ास एक ऐसी मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ। और इसके पीछे का जो मूर्ति बनाने के पीछे का जो संघर्ष रहा है, किस प्रकार से ये बनाया गया है, जिनके माध्यम से ये बनाया गया है, ये सारी की सारी बातें मैं अपने माध्यम से तो नहीं बता पाऊँगा, मगर जो इस जो टेम्पल है उस टेम्पल में जो व्यवस्थापक हैं धम्म रश्मि सर जो हैं, मैं डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करूंगा और वो आपको बताएंगे कि इसका किस प्रकार से इसको बनाया गया और किस प्रकार से इसको अभी संचालित किया जाता है। देख सकते हैं मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि किस प्रकार का यहाँ का सारा ये सारी चीज़ है और क्या इतिहास रहा है इसका। ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं इस समय जी, ये हमारे इस बिहार के संस्थापक मदन प्रकाशन रश्मि महापुरुष की समाधि, उनका चैत्य बना हुआ है, उनके सामने हम लोग खड़े हैं। और आप क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के ही थे, महाराष्ट्र के पौनी ज़िले के भंडारा ज़िले में पौनी जो गांव था उसमें आप रहने वाले थे और करीब 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने घर छोड़ दिया। और उसके बाद से वो अनेक उस समय के जो लोग थे, नेतागण थे या उनके जो घर छोड़ने के बाद जो उनके साथ ये रहे, उनके मार्गदर्शन में रहने के बाद अपनी शिक्षा और अपना जो कुछ जीवन यापन के लिए था उसको सीखने के बाद जो है ये किसी तरह से बौद्ध धर्म के जो बड़े भिक्षुगण थे उनके संग में शामिल हुए। और उसके बाद से भिक्षु बनने के बाद ये श्रीलंका गए और श्रीलंका में जो बाबा साहब से मुलाकात होती है तब तो उनके सामने जो है ये बाबा साहब ने शायद वहाँ कहा था कि हमको चलते हुए बहुत बुद्ध अच्छे लगते हैं, न कि बैठे हुए। ये बात उनके दिमाग में बैठी थी। और जब भारत में बंटी जी जब भारत में आते हैं तो उनके सामने रहता है कि नहीं, हम बाबा साहब के कहने के अनुसार एक स्थापित जो है भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति स्थापना करेंगे। और उसी दरमियान जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भी जो है ये तालिबान वालों ने भगवान बुद्ध की एक बहुत खड़ी मूर्ति तोड़ दी थी। उस समय ये कार्य शुरू हुआ तो लोगों ने जोड़ा कि वो तालिबान की मूर्ति टूटी है इसलिए ये बन रहा है, ये भी जोड़ा। लेकिन सही बात ये थी कि बाबा साहब ने जो सोचा था उनको ये पूरा करना था। और हम लोग ये एक भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है 80 फीट ऊँची है, चुनार स्टोन से बनी है और पूरे यहीं के कारीगरों ने इसको यहीं पर स्थापित किया। इसमें कम से कम 10 से 12 साल लगे और काफ़ी समय, क्योंकि मैनुअली हाथ से ही बनाई गई है। और इसमें जो कारीगर थे वो काफ़ी मतलब हाथ से इसकी कलाएं बनाते बनाते जो है, और सहयोग की कमी होने के कारण काम कभी रुकता रहा, अभी कभी आगे बढ़ता गया, इस तरह ये 10-12 साल लगा। और 80 फुट की ये गांधार शैली में भगवान बुद्ध की मूर्ति जो बनी है, 80 फीट की, करीब 865 पत्थरों के ब्लॉक जो होते हैं उनसे जोड़ जोड़ के बनाया गया है।
तो एक मूर्ति एक पत्थर न समझ के देखने में लगता है कि एक पत्थर है, लेकिन वो एक पत्थर नहीं है, वो 865 ब्लॉक है, उनको जोड़ के बनाया गया है। और ये गांधार शैली में इसको कहा जाता है। इसकी रिप्लिका जो है शायद इंग्लैंड के संग्रहालय में कहीं रखा हुआ है। तो इस तरह ये 80 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति वो चलती है भी, इसको चलायमान मुद्रा भी कह सकते हैं कि उनकी कल परिकल्पना थी कि भगवान बुद्ध फिर से एक बार जो है चल रहे हैं धम्मे के स्तूप की तरफ, ये धर्म चक्र परिवर्तन करने के लिए ये करते हुए जो है। तो इसलिए इसका जो बनावट है वो चलायमान मुद्रा, घुटना थोड़ा सा इसमें मुड़ा हुआ भी है और पैर बढ़ता हुआ है। और हम लोग उस मूर्ति की तरफ चलते हैं और उसको देख के जो है। तो आपने देखा जो इस मूर्ति के बारे में जो डिटेल हमें डॉक्टर साहब ने बताया है, अभी हम लोग जो मूर्ति है वो मूर्ति भी देखने जाएंगे और कोशिश करूँगा अगर पूरा व्यू अगर दिखाने की कोशिश में मेरी रहेगी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा एक कैंपस है और यहाँ पर जो है स्कूल भी चलती है, स्कूल भी चलाई जा रही है और यहाँ पर बुद्धिस्ट जो भनते हैं उनके लिए रहने के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साहब आपने एक बात मुझे कही थी, जो 3 महीने जो है उनकी डेड बॉडी रखी गई थी, ये सीन थोड़ा सा मुझे बहुत ही ज़्यादा एक ये लगा, वो उसके बारे में ज़रा बताइए जी। ऐसा था कि भंते जी की ये परिकल्पना थी, ये मूर्ति जो ड्रीम उनका प्रोजेक्ट था, जो खड़ी मूर्ति है इसको बनाते उन्होंने एक समय रखा था कि इसका उद्घाटन जो है हम लोग 17 मार्च को करेंगे। तो उसी दरमियान भंते जी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, काफ़ी भाग दौड़ और थोड़ा सा उम्र का भी था, उसके हिसाब से वो जो डेट रखा था उन्होंने उस डेट के पहले ही जो है भंते जी का परिनिर्वाण हो गया। और फिर हम लोगों के जो हम क्या कहते हैं उनके संपर्क में जो रहने वाले थे सबका ये था कि भंते जी मूर्ति उद्घाटन है, मूर्ति बन चुकी थी, उसको देख भी चुके थे, भंते जी ने देख भी लिया था, उन्होंने उद्घाटन का तारीख भी तय किया था, लेकिन उद्घाटन जो है वो नहीं हुआ, वो हम लोगों को कहीं वो लग रहा था। तो जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो ये हुआ कि क्यों ना डॉक्टरों से संपर्क करके, टीम से, मेडिकल टीम से संपर्क करके अगर उनकी डेड बॉडी को रख सकते हैं तो एक हम लोगों का एक रहेगा कि भाई उनके सामने ये क्या कहते उद्घाटन हुआ। तो उनकी डेड बॉडी को मेडिकेटेड करके डॉक्टरों की टीम ने उसको 3 महीने तक हम लोगों ने प्रिजर्व किया और जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन उनका दाह संस्कार किया गया। तो ये एक इतिहास है इस मूर्ति का जो हमने जानने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये वो मूर्ति है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो आपने देखा जो डॉक्टर साहब ने हमको ये सारी जानकारी दी और ये सारी चीज़ें कि जो भंते जी थे जिनकी परिकल्पना थी, जिन्होंने ये विचार रखा था, तो उन्होंने जो है जो सारी बातें आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मूर्ति, कोई व्यक्ति सारनाथ नहीं जा पा रहा है या जैसे सारनाथ अगर आया है वो लुम्बिनी नहीं जा पा रहा है या वो कुशीनगर नहीं जा पा रहा है, तो उनके लिए उन्होंने एक अलग से एक जो आपने देखा वहाँ पर उस मूर्ति के जो साथ में किस प्रकार से वहाँ पर जो है एक दर्शाया हुआ है, तो ये आपने देखा आप हैं, ये है वो मूर्ति। हाँ, ये वाला। हाँ 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 जी। अच्छा, जहाँ पर छोटे छोटे जॉइंट दिख रहे वही आप जो कितने ये 865 जी 865 पीसेस है ये। हाँ, उसको जोड़ के और 80 फीट भगवान आपने देखा जो हम लोगों ने अभी 80 फीट मूर्ति जो थी वो देखी। अभी जो है धम्मे की स्तूप जो है वो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पर जितने भी जो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इस जो एक क्या कहेंगे उसे धम्मे की स्तूप, जहाँ आप देखेंगे अस्थियाँ रखी हुई है ऐसी मान्यता बता रहे हैं, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट काउंटर है, टिकट निकालते हैं। मेरे साथ में विशाल साथियों, हाँ तो आ नहीं रहा था तो हम लोग जो है अभी जा रहे हैं, साथ ही में हैं राजूपाल जी और
सुशील शास्त्री जी टिकट लेने के लिए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग जो है अभी जाएंगे टेंपल घूमने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। कुशीनारा में जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो वहाँ के कोलियों, साक्यों और मल्लों में और बहुत सारे राजाओं में आपस में द्वंद्वता बढ़ गई थी कि बुद्धा कुशी नगर में परिनिर्वाण हुआ है तो उनकी अस्थि यहीं रहेगी। लेकिन इसका समाधान करने के लिए बंते महाकाश्यप ने इसको 8 भागों में उनकी अस्थियों का विभाजन किया, जो अलग अलग कुशीनगर और मल्लों को, कोलियों को, साक्यों को, सभी लोगों को दिया। तो जिसकी वजह से अस्थि एक यहाँ धमे की स्तूप, संकिसा, सांची स्तूप, ऐसे 8 स्तूप जो पूरे भारत में बनाए गए, तो सारनाथ के धमे की स्तूप में भी बुद्ध की जो पवित्र अस्थियाँ हैं, बौद्ध मतावलंबियों का जो मानना है बुद्ध की पवित्र अस्थियाँ इसके अंदर रखी हुई है, इसलिए इस धमे की स्तूप की मान्यता उनके लिए पवित्रता है। और पूरे देश से लोग धमे की स्तूप को नमन करने के लिए आते हैं, इसका दर्शन करते हैं, ऐसी मान्यता है। और सामने जो है ये तथागत बुद्ध जहाँ बैठते थे उसको वहाँ से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती थी, इसलिए मूल गंध, यानी जहाँ बैठते थे वहाँ से गंध निकलती थी, इसलिए उसको मूल गंध कहा गया। और जहाँ बैठते थे उस कुटी को मूल गंध कुटी कहा गया। तो ये सामने ही तथागत बुद्ध बैठकर अपना ध्यान साधना विपश्यना करते थे। भगवतो अरहतो सम्मा संबोधस्य।